हमारे भारत देश में मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। मनुस्मृति दहन दिवस का मतलब ये होता है जो मनुस्मृति थी उसका दहन किया गया था, दहन जला दिया गया। तो मनुस्मृति थी क्या? मनुस्मृति एक किताब थी जिसमें हमारे भारत देश में जो पहले 19वीं सदी में बहुत बुरी हालत थी, जातिवाद भेदभाव बहुत ज्यादा था, तो वो मनुस्मृति जैसे लिखी हुई थी, जो बातें लिखी हुई थी वो सब बातें जातिवाद पर लिखी गई थी, और उसमें जो लिखा हुआ था उसे वो फॉलो करते थे। जैसे कि हमारे भारत देश में संविधान के हिसाब से हमारा पूरा भारत देश चलता है, उसी प्रकार से मनुस्मृति किताब थी, उनके माध्यम से भारत देश चलता है। तो वो मनुस्मृति जो थी, एक मनु नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने इस किताब के रचय कर दी थी, जिस तरह हमारे डॉक्टर संविधान की रचयिता की किताब उनकी रचयिता हमारे बाबा साहब ने है, उन्हीं के आधार पर हमारा पूरा भारत देश चलता है। इसी प्रकार से मनुस्मृति एक किताब थी जिसके द्वारा पूरा यानी कि भारत चलता था, जाति भेदभाव ज्यादा चलती थी, उनमें यानी कि जातियों को बांटा गया था अलग अलग। उसमें ये लिखा हुआ था जो ब्रह्मा ब्रह्मा भगवान जो है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण ब्राह्मण जाति के लोग पैदा हुए थे, मुख यानी कि मुंह से पैदा हुए थे, तो उन्हें सबसे ऊंचा पद दिया गया था ब्राह्मण को। ब्राह्मण यानी कि जो मंदिरों में देखते हैं पूजा पाठ करते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, पंडित, तो उन्हें ऊंचे पद पर माना जाता था। फिर उसके बाद जो है वो क्षत्रिय, क्षत्रिय समाज के लोग जो है वो ब्रह्मा भगवान के यानी कि भुजाओं से जन्म लिए थे। इसी तरीके से वैश्य जो है, वैश्य जाति के जो लोग थे वो ब्रह्मा के जानों से पैदा हुए थे, और इसी तरीके से शूद्र जाति के जो लोग थे वो ब्रह्मा भगवान के पैरों से जन्म लिए थे। ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति में लिखी हुई थी, है ना, इस तरीके से बातें लिखी हुई थी, और इसी तरीके से नियम भी लागू हुए थे जातिवाद पर। जैसे कि जो ब्राह्मण जाति के लोग थे उन्हें सिर्फ और सिर्फ धन इकट्ठा करने का अधिकार था, यानी कि सबसे अमीर होने का अधिकार उन्हीं लोगों को था, जो लोग सिर्फ उनका ये काम था जो ब्राह्मण जाति के लोग उनकी सेवा करना था, वो सिर्फ सेवा कर सकते थे। इस तरीके से बहुत सारी यह बातें लिखी हुई थी, वो जो ब्राह्मण का अपमान करेगा वो नर्क में जाएगा, इस तरीके से बातें लिखी हुई थी। लेकिन ये सब बातें हमारे डॉक्टर बाबा साहेब को बहुत ज्यादा गलत थी, और हम सभी को भी बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि वो जब किताब में लिखी हुई थी वो सब है ना जातियों पर लादी गई थी। शूद्र जाति के लोगों को एक तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो शूद्र जाति के लोग है वो स्कूल नहीं जा सकते, अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे सवाल जवाब करेंगे कि हम ब्राह्मण जाति के लोगों की सेवा नहीं करेंगे, इस तरीके से उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, है ना। और इसी तरीके से क्षत्रिय जो थे उन्हें सिर्फ है ना इनकी क्षत्रिय जो लोग थे उन्हें अलग से बनाया गया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ इनकी व्यवसाय करने का अधिकार था। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी बातें लिखी थी जाति भेदभाव ज्यादा, जो कि हमारे बाबा साहब को ये सब बातें पसंद नहीं थी, और लोगों में काफी अन्याय चलती थी, महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस किताब में लिखी थी। महिलाएं जो है वो एक पशु समान थी, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ घर के काम और जो पुरुष थे उनकी सेवा करने का अधिकार था। इन सबका विरोध करते हुए बाबा साहब ने वो पुस्तक को ही जला दिया ताकि ऐसा कोई भेदभाव ना हो। बाबा साहब के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था, जब वो स्कूल जाते थे तो उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, सभी बच्चों के साथ बैठ के पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था, है ना। ये सब और सब ज्यादातर जो नीचे जाति के लोग थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। इन सबको यानी कि बाबा साहब ने बहुत सारे आंदोलन किए, तब जाके वो मनुस्मृति की